कोऑपरेशन विद नेचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और नेचर के साथ बहुत बहुत हैप्पी होंगे। ये देखिए, जैसे कि जिस दिन घर पे नहीं होते, आउटसाइड होते हैं, फिर भी नेचर को देख के मन ऐसा करता है कि वीडियो बना लें। ये देखिए, मतलब ये राजस्थान का एरिया है और इतने डेजर्ट में भी इतनी ग्रीनरी है, और इसके बारे में देखेंगे। ये देखिए हमारी, मतलब कि इसमें डेजर्ट में भी इतने ग्रीन प्लांट्स, वही हमारी चंपा है, फाइकस है, ये कितने समर और के मतलब हार्डी प्लांट्स हैं, और ये हमारे पाम्स हैं। ये देखिए, तो आज हमें मतलब ये लैंडस्केपिंग या वेरी वेरी हार्डी प्लांट्स, मतलब इसमें डेजर्ट एरिया में कौन कौन से ग्रो कर सकते हैं और डेकोरेट कैसे कर सकते हैं अपना ये गार्डन, इसके बारे में जानेंगे। ये देखिए, मतलब कितना अपना हिली डेजर्ट एरिया है ये हमारा, और ये हमारे देखो कि सबसे ज़्यादा तो ये फाइकस की जैसे हमारी वैरायटी होती है, जो मैंने घर में भी ग्रो कर रखी है। ये देखिए, मतलब इसकी कितनी अच्छी एज बन जाती है। ये देखिए, ये देखिए, जैसे हम घर पे भी अपने जैसे ऊपर समर में अपना ये हमारा विंका सदाबहार, और ये हमारी अजवाइन। ये देखिए, मतलब कितना अच्छा डेजर्ट में भी कितना ग्रो कर सकते हैं। डेजर्ट का मतलब है कि हम समर में ऊपर अपना रूफ टॉप पे, वेरी वेरी हार्डी प्लांट है। और ये देखिए, मतलब कितने अच्छे मस्त ग्रो होके आए हैं। और ये तुलसी देवी तो वास्तु के अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छी है, और ये प्योरीफाई प्लांट है। मतलब ये कितने लॉट्स ऑफ फ्लावर, कितनी क्वांटिटी में खिले हुए हैं, ये देखिए आप, इस तरह आप भी ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, मतलब कितने मस्त अपने डेजर्ट एरिया में भी कितने बर्ड्स, हम भी मैंने वीडियो अभी बना के घर की भी बताऊंगी कैसे हम मॉर्निंग में कम से कम 30-40 बर्ड्स आ ही जाते हैं रोज़। और देखिए हार्डी प्लांट्स के बारे में है, तो ये देखिए आप, बुगनवेल हमारा कितना रफ एंड टफ प्लांट है। ये देखिए, तो ये क्या हो गया हमारा, फाइकस हो गया, सदाबहार होगी, और ये देखिए हमारे कितने सुंदर बर्ड्स। मतलब नेचर को देख के तो कहीं जाओ तो वीडियो बनाने से कोई रोक ही नहीं पाता। जैसे ये देखिए, मतलब कितनी टाइप्स की हमारे ये बुगनवेलिया है। ये देखिए, मतलब अपना ये नहीं सोच सकते कि डेजर्ट में हम प्लांट नहीं लगा सकते, कितना मतलब अपना कितना अच्छा लैंडस्केपिंग का ये डिज़ाइन है। मतलब साइड है, बरसातों में मालिक बाबा कह रहे हैं कि इनकी कटिंग कर दो, और ये नीचे ही है। देखिए, कोई सी बाउंड्री नहीं बनाई हुई, बाउंड्री के साथ ही लगाए हुए हैं। कितनी फ्लावरिंग हो रही है, देखिए टेम्परेचर कम से कम 40 से ऊपर ही रहता है यहाँ पर। और ये देखिए कितना सुंदर लैंडस्केपिंग डिज़ाइन है। ये देखिए, मतलब फाइकस की कितनी अच्छी डिजाइनिंग और कटिंग हो रखी है यहाँ पे। ये देखिए कितना सुंदर, और ये फाइकस है हमारे मेन। तो ना जैसे मैंने तो सिर्फ सिंपल एक कॉर्नर में टिकोमा लगाया हुआ है, और इन्होंने तो ये देखिए अपनी मतलब बाउंड्री वॉल के बल कहते हैं ना, बाउंड्री वॉल ही अपनी टिकोमा से ही करी हुई है। मुझे ये लगता है जैसे मैंने घर में या छत पे जैसे जैसे ये फ्लावर के हार्डी प्लांट्स लगा रखे हैं, उसी प्रकार ये देखिए, मतलब कितना अच्छा ये लैंडस्केपिंग का आइडिया है। ये सब मतलब मेरा आज का वीडियो का यही है कि हम कितने भी मतलब गर्मी हो उसमें भी हम हरा भरा अपने घर को रख सकता है। देखो इसकी हमने बुगनवेलिया की बाउंड्री तो देखी थी, पर मैंने फर्स्ट टाइम ये देखी टिकोमा की बाउंड्री देखी है। ये देखिए मतलब कितनी सुंदर लग रही है यहाँ दूर तक, इधर से ये बाउंड्री। फाइकस की बाउंड्री देख चुके हैं हम, पर टिकोमा की मैंने ये फर्स्ट टाइम देखी है। तो ये भी आप भी आइडिया ले सकते हैं, और मैं भी इनसे आइडिया ले रही हूँ लैंडस्केपिंग का, इतना सुंदर और मस्त लग रहा है। ये देखिए, जैसे कि ये हमारा हिबिस्कस का प्लांट है, ये भी ये देखो इन्होंने इसकी हिबिस्कस की अपनी ये बाउंड्री बनाई हुई है। ये देखिए, मतलब ये भी टिकोमा की बाउंड्री होगी है, हिबिस्कस की होगी है, कितनी रफ एंड टफ ये हमारी सिंपल चांदनी है। एंड नेक्स्ट ये जैसे कि मैंने अपने गार्डन में भी लगाया हुआ है, ये लेडी पाम की बाउंड्री होगी। ये देखिए,
देखिएगा इस टाइप से आप अपना मतलब बना सकते हैं हेज, बाउंड्री वॉल हेज, और मतलब चार पांच तरह की हमारी ये बन चुकी है। और ये हमारी फाइकस की तो है ही। ये देखिए तो सब जगह ही चाइनीज बॉक्स प्लांट, ये तो हर जगह ही मिल जाती है इसकी हेज ना, ये कितनी सुंदर लग रही है देखिए। तो हमने टिकोमा की हेज देख ली है, ये चाइनीज बॉक्स प्लांट की, और हमने हिबिस्कस की भी देख ली है, मतलब बाउंड्री और हेज, मतलब बाउंड्री वॉल कैसे बनाए। और मेन तो फर्स्ट टाइम मैंने टिकोमा की देखी है। और ये जो हमारी ये चाइनीज ये प्लांट होता है, ये भी जस्ट, ये तो बहुत ही रफ एंड टफ हार्डी प्लांट है, इतना है, मतलब ये करके जस्ट कटिंग से ही लग जाता है, थोड़ा सा कट करने से ही। और ये देखिए एक प्लांट से ही आप सैकड़ों मतलब बना सकते हैं। और ये दो कलर में आता है, एक रेड कलर में आता है और एक ये हमारा ग्रीन है। तो इसी प्रकार आप भी जैसे चाइनीज़ बाउंड्री, इसकी चाइनीज़ बॉक्स प्लांट की बाउंड्री, और ये हमारी बन गई है जोड़ा की, आप जोड़ा की ही बोल सकते हैं। इतना सुंदर अभी इसके फ्लावर्स आएंगे और ये हिबिस्कस की भी, तो किस तरह के हमारे ये बाउंड्री बना सकते हैं। और ये देखिए मेन तो डेजर्ट एरिया या बहुत बिल्कुल सन लाइट हार्डी प्लांट्स है, और इसी तरह अपने घर में ग्रो कीजिए। ये देखिए मतलब कितने सुंदर हमारा इसमें डेजर्ट एरिया में भी, राजस्थान में भी कितना सुंदर ये खिल के आए हुए हैं। और ये तो हमारे हैं ये पाम, कितना सुंदर प्लांट है। ये देखिए ये पाम है, ये मतलब सीड लगे हुए हैं, अब ये सीड से इतने ग्रो हो जाएंगे अपने आप ना। पर इनके बच्चों से दूर रखें क्योंकि हल्का सा तीखा है इनका, ये जैसे चोंच वाले प्लांट्स हैं और ये थोड़े से तीखे प्लांट हैं, इसलिए आप इनको प्लीज़ बच्चों से तो दूर रखें। घर में ये आउटडोर ही ठीक लग रहे हैं मुझे ना। हमारी इन चिड़ियों की चहचहाट के साथ नेक्स्ट बाउंड्री है एक्रीप्लक्स, इसका नाम है एक्रीप्लक्स, ये प्लांट है। और इसकी भी कितनी प्यारी बाउंड्री बनी हुई है देखिए, मतलब ये आज तो मतलब ये हो गया बाउंड्री वॉल ही, हम किस तरह से किस किस प्लांट की बनाए। ये देखिए चाइनीज़ बॉक्स हो गया, ये हो गया एक्रीप्लक्स हो गया। तो इसकी भी जस्ट अभी ये मेरे पास नहीं है, तो इसका कितना अच्छा आइडिया है देखिए। इसकी भी एक माली बाबा बोल रहे हैं कि इसकी जस्ट ये कटिंग से ही लग जाता है, मतलब जो भी हमारी हेज है और ये हमारी बाउंड्रीज हैं, ये सब जैसे हमारी सिर्फ सिंपल कटिंग से होगी, सिंपल हमारी कटिंग से लग जाती है। ये देखिए ये हमारी है फाइकस के हो गए, जोड़ा हो गया हमारा। और ये देखिए मतलब कितनी टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज होंगी हमारे पास, तो इतनी कितनी अच्छी मतलब लैंडस्केपिंग कह सकते हैं अपनी बाउंड्री के पास हार्डी प्लांट्स उगाएं। और मेरी इसी तरह आप मेरी वीडियोस लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये देखिए बीच में जैसे नीम हो रखा है, जैसे भी मैं अपने घर में भी रफ एंड टफ नीम का प्लांट लगाती हूँ सब। ये डेजर्ट एरिया, डेजर्ट एरिया मीन्स ये रूफ टॉप और बिल्कुल सन लाइट 40 से 45 डिग्री या 50 डिग्री तक भी सर्वाइव कर सकते हैं ये सभी प्लांट्स। ये देखिए इसी प्रकार आप मुझे भी जैसे भी सजेशन हो आप भी देते रहें। और ये तो हमारी ये देखिए तुलसी मैया की बाउंड्री वॉल बनाई हुई है, ये हेज बनाई हुई है देखिए लगाता। ये भी आइडिया अच्छा है कि 10-12 प्लांट एक ही रो में लगाइए। ये देखिए पहले तुलसी आ गई है, फिर एक्रीप्लक्स प्लांट आ गया है ये देखिए, और उसके बाद ये भी व्यू भी देखिए कितना सुंदर लग रहा है हमारा ये डेजर्ट एरिया भी। ये देखिए हल्की सी रेन से ही थोड़ा बहुत होती है तो उससे ही ग्रीन हो जाता है, बाकी ये 45 डिग्री और अपने रूफ टॉप पे भी मस्त चलेंगे। और इसी प्रकार मेरी वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेचर के साथ मस्त रहें। थैंक यू।